अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब अली और मेरा सवाल जवेद साहब से है कि ये आजकल जो ये महंगाई हो रही है इसकी क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा बता दें क्यों हो रही है। हाँ जी, आजकल जो महंगाई हो रही है इसके बारे में तो बताएं। ये पा दो पीटीआई पे नहीं पाओगे। जब आप एग्रीकल्चर मुल्क होकर जी गंदम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूल जितना आप इम्पोर्ट करते हैं वो आपके बस में नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप डॉलर पैदा करें। ठीक है, इसी वजह से डॉलर यकलक पिछले 1.5-2 साल में ऊपर चला गया। जब जब डॉलर आगे जाएगा उससे महंगाई बढ़ेगी, उससे हमारे कर्जात भी बढ़ेंगे। हम जब अपने किसान को बूस्ट अप कर लेंगे, मैंने मियां साहब से ये क्वेश्चन किया था कि हमने डॉलर में गंदम खरीद करनी है या रुपए में। डॉलर में खरीद करनी है तो इम्पोर्टर को बुला के उनकी तरजीहात पूछ लें। अगर हमने पाकिस्तानी रुपए में गंदम खरीद करनी है तो अपने किसान को थपकी दें, उसको बूस्ट अप करें, उसको मराहत दें। आपका ये जो अरबों रुपए का आप हर साल गंदम इम्पोर्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने 2008 में तो उन्होंने असम्बली में आके गंदम की कीमत 1,13,500 कर दी। उस पर बहुत शोर मचा, बड़े बड़े कालम लिखे गए, उनके इस इकदाम की मुखालफत की गई। लेकिन 10-12 साल आपको गंदम इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके किसान ने इतनी गंदम पैदा की कि आप अफगानिस्तान को भी देते रहे, बाज़ औक़ात आप एक्सपोर्ट भी करते रहे। आज भी अगर आप किसान को बूस्ट अप करेंगे तो आपका अरबों डॉलर का ये सरमाया बच जाएगा, आपको गंदम पाकिस्तानी रुपये में मिलेगी और मुल्क के अंदर मिलेगी, तो इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल आएगी। तो अब तो यानी कि बात जो है वो आप लोगों के हाथ में है ना कि आप लोग किसान को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब ने, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर टास्क फोर्स बनाई है जिसका वो ये सिलाब ना आता तो अब तक बहुत से उनके रिजल्ट सामने। तो भाई मेरे बेसिकली बात यह है कि अब टास्क फोर्स बन गई हुई है, अगर टास्क फोर्स ने डिलीवर ना किया तो नून लीग वाले जिम्मेदार हैं क्योंकि हुकूमत उनकी है। ऐसा हमारा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शन दूंगा, उन्हीं ऑप्शंस में से आपने जवाब चूज करना है, बाहर से आप ऑप्शन नहीं ला सकते। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही आयरा तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। स्टार्ट किससे करें, पहले आपसे करें जावेद साहब। चलिए सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उसको आप चांद पे ही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और राणा सनाउल्ला, तो किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पे? आबिद शेर अली को ही ले जाऊंगा, राणा साहब की तो अभी इधर बहुत जरूरत है। ठीक है, आबिद शेर अली होंगे चांद पे फिलहाल। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी। तो सेल्फी तस्वीर किसके साथ लेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। और किसका फ्लोर आ गया है? मुफ्ता साहब का। मिफ्ता साहब खुद ही मुफ्ता कह रहे हैं। ठीक है काजी, ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज मेरी पार्टी की है, उसको प्रेफर करूंगा। वैसे दूसरा नाम अगर शीरी मजारी का रख लेते तो ज्यादा आसान होता। अच्छा, अगर डॉक्टर फरदोस आशिक अवान मैंने रखा तो आपने कहा नहीं चले, ठीक है। सर ये बताए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मेरे ख्याल है मैं दोनों उनको दे दूं। नहीं नहीं, एक को दे सकते, जैकेट ही एक है। मरियम नवाज को दे दे, मरियम बीबी को दे दे, वो खातून है उसको बचाना फर्ज है। ठीक है, जबरदस्त।